चलिए गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत गाइस। एंड टुडे वी हैव अ आईफोन 14 प्रो। इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड इसके बारे में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला वीडियो में, बिकॉज दो तीन वीक से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट जो भी वीडियोस आती है इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अनबॉक्स दिस बॉक्स एंड देन हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले जो सभी फोन्स में नहीं होता है, बट दैट थिंग इन दिस फोन, उसके बारे में बात करने वाले, मजा आने वाला है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए से बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस लाने वाले हैं। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake. Guys, finally, this is the iPhone 14 Pro. इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले जो सभी फोन्स में नहीं होता है, इसको जो है थोड़ा सा अलग बनाता है, दैट्स द डायनेमिक आइलैंड जो कि इस फोन में है। डायनेमिक आइलैंड के बारे में आपको पता होगा कि डायनेमिक आइलैंड में क्या होता है कि आप जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप उसको स्वाइप अप कर दिए तो म्यूजिक आपका चलता रहेगा। अगर आप टाइमर वगैरह लगा देते तो टाइमर आपने स्वाइप अप कर दिया तो ऊपर चलता रहेगा। जहां पे आपको जो मीन्स फ्रंट कैमरा मिलता है वहां पे आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि सभी फोन से इस फोन को डिफरेंट बनाता है। एंड दैट इज द थिंग जो आईफोन एक नई नई चीजें इन्वेंट करता रहता है अपने फोन्स के ऊपर, जो कि आईफोन 14 सीरीज में मीन्स प्रो वेरिएंट में आपको यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड का जो कि ऑप्शन मिलता है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा, अगर बात सभी फोन्स में नहीं होता, दैट इज द क्रैश डिटेक्शन का ऑप्शन आपको इस फोन में मिलता है, जो कि ईसिम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप सैटेलाइट्स वगैरह से अपने कॉल्स कर सकते हैं। जैसे कि आपका कहीं भी आप ऐसी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है फिर भी वहां पे आप इससे कॉल कर सकते हैं, सैटेलाइट सीरीज में आ जाएगा, तो क्रैश डिटेक्शन हो गया। एंड सैटेलाइट वगैरह का जो ऑप्शन होता है वो सभी फोन्स में नहीं होता, बट इस फोन में देखने को मिलता है। मीन्स आईफोन इसी चीजों को इन्वेंट करता रहता है सभी फोन्स में, मीन्स अपने साल जो भी अपने सीरीज लाता है उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर डालता है। मीन्स अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज कैमरा के बारे में, मीन्स कैमरा को तो हम आपको क्या बताएं, बिकॉज बेहतरीन कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिलता है। सारे जो भी हम बात करते हैं जो कि मोड्स वगैरह हो गए, एक्शन मोड हो गया, जो मीन एक्शन मोड जो होता है मीन्स 14 प्रो सीरीज का, 14 सीरीज का एक्शन मोड जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप दौड़ रहे हैं बहुत ही तगड़ी स्टेबिलिटी के साथ में एक्शन मोड आता है, कैमरा इसका नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। एंड और सारे स्पेक्स की अगर हम बात करते हैं, मीन्स अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस वगैरह के, कैमरा की तो बात करें तो मीन्स बेहतरीन है। परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग वगैरह करना है सब कुछ आपको एक बेहतरीन लुक देखने को मिलता है इसमें, बढ़िया आप गेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हीट प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड अगर हम लुक्स की बात करें, सबसे पहले हम लुक्स की अगर हम इस फोन की बात करते हैं तो बेहतरीन लुक आपको देखने मिलता है। एंड सबसे बढ़िया आपको 14 प्रो का देखने मिलता है, बिकॉज इसकी साइज ही बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको एक नॉर्मल साइज देखने मिलता है। वेट भी आपको इसका 204 ग्राम या फिर 207 ग्राम का देखने मिलता है, जिससे आप अगर आप हाथ में लेते हैं तो कोई भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगता है। मीन्स प्रो मैक्स आपका हो जाता है 240 ग्राम का, ये आपको थोड़ा नॉर्मल वेट देखने मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें और भी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके फिजिकल व्यू की, तो आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो वॉल्यूम आपको अप एंड डाउन करने के लिए देखने मिल जाएगा। एंड नीचे साइड में वहीं पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं नीचे साइड की, तो आपको दो वॉल्यूम रॉकर देखने मिल जाएगा, जिसकी वॉइस जो है बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। एंड आपको वहीं पे आपको चार्जिंग पॉइंट देखने मिल जाता है। बात करते हैं ऊपर साइड की, तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, प्लेन साइड देखने को मिलता है। बात करते हैं पीछे से लुक की, मीन्स आपको लुक तो बेहतरीन लगता ही, आपको यहाँ पे एप्पल का लोगो देखने मिल जाता है। एंड जो मेन कैमरा सेटअप होता है वो आपको यहाँ पे देखने मिलता है विद एलईडी फ्लैश। बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो आपको एक बेहतरीन स्क्रीन देखने मिलती है, जो कि लुक जो है बेहतरीन है, कलर्स बेहतरीन है। अगर आप वीडियोज वगैरह देखते हैं मल्टीमीडिया के शौकीन है, बहुत ही बेहतरीन आपको क्वालिटी जो है वीडियोस की देखने मिलेगी। वीडियो क्वालिटी अगर बात करते हैं, वीडियोज वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इससे अच्छी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो नेक्स्ट लेवल ब्लॉगिंग भी आपको देखने मिलेगी, बिकॉज 0.5x आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी दे देता है, जो कि मतलब बात करते हैं इसके कैमरा लुक्स की, मीन बात करें ओवरऑल कैमरा की, तो बेहतरीन कैमरा देखने मिलता है।
ये सारे फीचर्स तो आपको इसमें मिलते हैं, बेहतरीन लुक्स देखने मिलता है। बट अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी आपको एक नेक्स्ट लेवल देखने मिलता है, बिकॉज इसकी प्राइस की हम बात करें तो 1,29,000 से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है। एंड इसका जो हाई वेरियंट होता है 1 TB का 1,79,000 तक जाता है। बात करते हैं प्रो मैक्स की तो 1,89,000 तक जाता है। इसका जो हाई वेरियंट होगा 1,79,000 एंड प्रो मैक्स का 1,39,000, मीन्स 2,00,000 तक इसका जो है हाई वेरियंट जाता है। तो मतलब कि बेहतरीन फोन है, बट इसका प्राइस भी आपको नेक्स्ट लेवल देखने में मिलता है। ये सारी चीज फोन मिलती है एंड आई थिंक आपको सब कुछ पता होगा कि आईफोन 14 प्रो में क्या स्पेक्स आते हैं एंड क्या फीचर्स आते हैं। तो मैं आपको पूरा स्पेक्स नहीं बताऊंगा, बट दिस फोन इज अ रियली बहुत ही बेहतरीन फोन आपको देखने मिलता है। अगर आप वीडियोस के लिए लेना चाहते हैं, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, आराम से देखते हैं। बट प्राइस इसका आपको मैंने बता ही दिया है, कितने प्राइस में आपको एक बेहतरीन फोन देखने मिलेगा। गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये था कुछ आईफोन 14 प्रो के बारे में, ज्यादा कुछ मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आपको पता होगा, बट सब कुछ मैंने बता दिया जो कि सारे फोन में नहीं होता, बट इसमें है वो सब कुछ मैंने आई होप कि आपको बता दिया। गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। चले गए आप इस वीडियो में इतना, तो जय हिंद, वंदे मातरम। ये फोन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। चले गए आप इस वीडियो में इतना, तो जय हिंद, वंदे।